नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको अलसी के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन अलसी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आज हम आपको बताएंगे। महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए ये कितना उत्तम है और कितना नहीं है, इससे कितने फ़ायदे हो सकते हैं और कितने नुकसान हो सकते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो आइए आज हम आपको पहले अलसी की पहचान कराते हैं और फिर बताएंगे कौन से रोगों में से आप कितनी मात्रा में ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप ये अलसी का पौधा देख रहे हैं, इसकी खेती की जाती है। यह बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में अधिक होती है। अलसी का पौधा 3 से 4 फुट ऊंचा होता है। इसके पत्ते 3 इंच लंबे होते हैं। अलसी की मंजरियों में हल्के नीले रंग के फूल लगते हैं। फल कलश के समान होते हैं। अलसी के बीजों से तेल भी निकाला जाता है। अलसी की जड़ सफ़ेद रंग की होती है, पेंसिल के समान मोटी होती है, 4 से 10 इंच लंबी होती है। अलसी का रंग लाल रंग का होता है। इसका स्वाद फीका होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। दोस्तों, हमने आपको अलसी की पहचान के बारे में बताया है। अब आपको बताते हैं कि कौन से रोगों में आप इसे कितनी मात्रा में ले सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय उनके लिए है जिनका पेट अक्सर खराब होता है और पेट खराब होने के कारण मुंह में अक्सर छाले की समस्या बनी रहती है। आप इसके लिए अलसी का तेल लीजिए और दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप अपने मुँह में अंदर लगाइए, छालों पर लगाइए, तो छाले 1 से 2 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए जिन्हें नींद कम आती है या नींद नहीं आती है, तो आप इसके लिए अलसी का तेल लीजिए और अरंड का तेल लीजिए। दोनों को बराबर मात्रा में लेकर तांबे के बर्तन में डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए और रात को सोते वक्त उसे सुरमे की तरह अपनी आंखों में लगाइए। इससे नींद अच्छी आती है। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए जिनको बलगम की समस्या बनी रहती है और बलगम के कारण खांसी रहती है, आप इसके लिए भुनी हुई अलसी लीजिए और पुदीना लीजिए। दोनों को बराबर मात्रा में लेकर अच्छी तरह से पीसकर शहद के साथ दिन में आप इसे कम से कम 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह, दोपहर और शाम लेते हैं, तो आपको बलगम की भी समस्या नहीं रहेगी और आपको खांसी की समस्या है तो वह भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिनके शरीर पर अक्सर फोड़े फुंसी की समस्या रहती है, आप इसके लिए 10 ग्राम अलसी के बीज लीजिए, 3 ग्राम सरसों के बीज लीजिए, पानी में मिलाकर अच्छी तरह से इसका पीसकर लेप बना लीजिए और उस लेप को 3-4 बार आपको अपने फोड़े के ऊपर लगाते हैं तो या तो फोड़ा पूरी तरह से बैठ जाता है या फूटकर ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए जिनका पेट अक्सर खराब रहता है, कब्ज की समस्या रहती है, गैस की समस्या रहती है, आप इसके लिए 2 चम्मच 10 ग्राम की मात्रा में कम से कम रात को सोते वक्त गुनगुने पानी से लीजिए। इससे सुबह के समय आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है। अगला उपाय उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनके शरीर में दूध कम उतरता है, आप इसके लिए 1-1 चम्मच की मात्रा में ताज़ा पानी के साथ सुबह और शाम अलसी के बीजों का सेवन करते हैं तो एक तो माता के शरीर में दूध की वृद्धि होती है और बच्चे का शरीर स्वस्थ बनता है। अगला उपाय उनके लिए है जिनका शरीर कमज़ोर है, शरीर में थकावट रहती है या हाथ पैरों का कांपने की जैसी समस्या बनी रहती है, आप इसके लिए 1-1 चम्मच की मात्रा में अलसी के बीज को 1 गिलास दूध के साथ सुबह और शाम लेते हैं तो शरीर की कमजोरी भी दूर होती है और शरीर स्वस्थ बनता है। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिनके अक्सर बाल झड़ने की समस्या बनी रहती है, गंजेपन की समस्या है, आप इसके लिए 200 ग्राम अलसी का तेल ले लीजिए और अलसी के तेल में 4 बरगद के साबुत पत्ते होने चाहिए, उसे अच्छी तरह से पका लीजिए, उन्हें जला लीजिए अच्छी तरह से। जलाने के बाद उसे छानकर एक कांच की शीशी में भर के रख लीजिए और उस तेल को रात को सोते वक्त आप अपने सिर पर रोज लगाते हैं तो आपके बाल मजबूत भी होते हैं और बालों की रूसी भी ख़त्म होती है, बाल चमकदार बनते हैं और जिनके बाल सिर पर नहीं हैं या कम हैं तो जल्दी ही नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, हमने आपको अलसी से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताया है। अब आपको हम ये बताते हैं कि अलसी से क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप अलसी का ज़्यादा सेवन करते हैं तो आँखों की रोशनी कम हो जाती है, आपकी पाचन तंत्र में खराबी आ सकती है, इससे अंडकोष में सूजन आ सकती है और मनुष्य के शुक्राणुओं में कमी हो सकती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जितनी मात्रा आपको बताई जाती है उतनी मात्रा में आप इसका सेवन करें, नहीं तो यह आपको नुकसान भी दे सकती है। दोस्तों, हमारे पास अक्सर कमेंट आते हैं, सवाल पूछे जाते हैं कि हमें असली जड़ी बूटियाँ नहीं मिल पाती हैं। आप इसके लिए www.jadibootistore.com पर लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ से आपको असली और शुद्ध जड़ी बूटियाँ मिल जाएंगी। दोस्तों, हम अपनी आने वाली वीडियो में बाय ब्रीडिंग के बारे में जानकारी देंगे, उसके बारे में ये बताएंगे कि कौन से रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको अलसी के बारे में जानकारी दी है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद को हम हर घर में पहुँचाना चाहते हैं, हर घर से रोगों को दूर करना चाहते हैं।
आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदशाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेदशाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।